रहे हैं। ऐसा करके दादी को हरी मार छोड़ा। अब दोस्त था खाने पीने वाला साहब, तो पिताजी को उठाया, आधे रास्ते में छुड़ाया। जिसके पिताजी मर गए तो उसे एक हफ्ते और धमका हुआ, एक हफ्ते खटका सा लगा। उसने दोस्त को बुलाया, बोले यार सुन, रात पिताजी सपने में आए थे, कह रहे थे तूने हरिद्वार छोड़ के नहीं आया। दोस्त बोला तेरा बाप भी अजीब है, बुड्ढा सपने में जितना इधर चला उतना ही उधर चलता, तो हरिद्वार नहीं पहुंच जाता। एक ट्रिक एक्सपर्ट होते साहब अपने यहाँ के, तो हमारे यहाँ के बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो एक बच्चा टॉफी की दुकान पर टॉफी बेच रहा था, मैंने पूछा बेटा तू इतना छोटा सा है, तेरा खुद टॉफी खाने का मन नहीं करता? बोला भैया करता तो है, ये दुकान वाले डांटते बहुत, इसलिए खाली चाट के वापस रख देता हूँ। हकीकत है, आपको पता हो बिहार में क्या बाढ़ आई थी साहब पिछले दिनों, हजारों लोग डूब गए, इतने लोग बेघर हो गए। अब बाढ़ में अजीब सी हालत हो गई, अब एक से एक लोग डूब रहे, क्या करें? अब रात को एकदम से पानी भर के चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब ऐसे मेरे यहाँ के एक भाई साहब, और भाई साहब दरवाजा खटखटा रहे हैं, रात को बारिश में डूबे हुए हैं, खट 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 बोला, हाँ क्या हुआ? भाई साहब बाढ़ आई है, डूब जाएंगे, बता लो हमें अंदर घुसा लो। इतनी रात को 12 बजे आ गए हो, तुम्हें पता हमारा घर 2 महीने का, चलो निकलो यहाँ से। और भाई साहब अगले गेट पे जाके, खट खट खट, हाँ क्या हुआ? अरे भाई साहब बाढ़ आई है, डूब जाएंगे, हमको अंदर रख लो, निकल मर जाएंगे हम। 12:01 पे इतनी रात को दूसरे का घर आता है, कुछ शर्म आया है कि चला गई जा, अगली गेट पे गए, खट खट खट, हाँ क्या हुआ? भाई साहब बाढ़ आई है, हम डूब जाएंगे। अरे 12:02 पे हमारे घर आया, बहु बेटी को घर आ गई जा, अगले घर पे गए, खट खट खट, क्या हुआ? भाई साहब रात को रोक लो, हमारा घर बहु बेटी को आगे जाओ। वो भाई साहब आगे गए, खट खट खट, और जैसे भाई साहब ने दरवाजा खोला पूछा, भाई साहब आपके घर में बहु बेटियां हैं क्या? हरी 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 साहब, ऐसे क्या हुआ कि आपने कैमरा पर देखा होगा साहब, एक से एक लोग पहुंच गए, बाहर में मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले पहुंच गए। और मीडिया से एक बात याद आ गई, सुबह सुबह अखबार से फोन आया, आप लोगों ने इतने होल्डिंग लगवा रखे थे, चिराग प्यारी गौड़ आ रहे हैं, कुलदीप दुबे, दीपक सैनी, शंभू शिखर, इतने इतने लोग आ रहे हैं, इतनी होल्डिंग आती है, अखबार से फोन आ गया। बोले साहब हमारे अखबार में आपका नाम छपा है। मैंने पूछा जी आपका अखबार कौन सा हॉकर बांटता है, कहाँ मिलेगा? बोले भैया हमारा अखबार हॉकर होकर नहीं बांटता, जिसका नाम छप जाता वही गरीब गरीब के दिन भर बांटता है। तो ऐसे साहब जो मीडिया वाले पहुंच गए, इतने मीडिया वाले पहुंच गया, वो दिखा रहे बाढ़ का लाइव दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए हजारों लोग बेघर हो गए, डूब गए, मर गए, इधर गए उधर गए। अब ऐसे में मेरे एक चाचा जी थे, वो बिल्कुल साफ पानी में खड़े, बिल्कुल सूखे में खड़े, उन्होंने देखा कैमरा वाले आ रखे हैं, वो कूद के चले गए, गीले पानी में चले गए, बिल्कुल पानी के अंदर चले गए, इतने इतने पानी में। अब कैमरा वालों ने देख लिया, ये हमें देख के पानी में गए, उसके पास पहुंच गया, हाँ तो तुम टीवी पे आना चाहते हो, हजारों लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, उसकी तुमको चिंता नहीं, तुम यहाँ सूखे में खड़े थे, तुम कैमरा देख के तुम टीवी पे आना चाहते हो, तुम पानी में चले गए, बाहर निकलो। नहीं हम नहीं निकलेंगे। अरे क्यों नहीं निकलोगे? टीवी पे आना चाहते हो, बाहर निकलो। नहीं हम नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलोगे? हम नीचे कुछ नहीं पहने हैं। एक दिन एक्सपर्ट हुए दीपक सैनी साहब, इतना अच्छा कलाकार है, और एक दिन मेरे घर आ गया सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा दीपक तू यहाँ शालीमार बाग में बसंत विहार रहता हूँ, इतनी दूर तू मेरे घर हाफ पैंट पहन के क्यों आ गया? बोले भाई सैटरडे हाफ डे हाफ पैंट। मैंने कहा दीपक मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू कल मत आ दियो, कल संडे है फुल डे। मीसा अद्भुत अद्भुत चीज हो जाती है, लोगों के नाम कितने अजीब अजीब होते हैं। यही से बात उठाता हूँ, अजी एक भाई साहब लोग कुत्ते को घुमा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब कितने प्यारे प्यारे कुत्ते हैं आपके, नाम क्या है इनका? बोला एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। मैंने पूछा आपका? बोला जी टॉमी। हकीकत में फोन आया सुबह सुबह, मेरे भाजी कौन बोल रहे हैं? बोला भैया बीवी के लाल। मैंने कहा यार माई के लाल तो देखे भी थे सुने भी थे, तू बीवी का लाल हो जा। ऐसे रास्ते में एक बंदा मिला, मैंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? बोला पी के चौधरी। मैंने कहा पीने के बाद तो मैं भी चौधरी हो जाता हूँ। और अगली पंक्ति पे आप सभी के ठाक के जाता हूँ दोस्तों, कौन एक ऐसी भाई साहब मिल गए, रामलीला का मंच है, ऐसी भाई साहब मिल गए। मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है? बोला जी धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा है ये क्या नाम हुआ धनिया लक्ष्मण? बोला क्यों, जब हल्दीराम हो सकता है तो धनिया लक्ष्मण नहीं हो सकता? मैंने कहा यार बात तो तुमने सही कही है, ऐसी अजीब अजीब नाम में क्या हुआ दोस्तों जी। मैं रात रात मौसी के यहाँ पहुंचा, अब मौसी बोली बेटा रात को इतनी रात को तू आ गया है, कहाँ रुकेगा? ऐसा कर रात को चट्टा के साथ सो जा। अब साहब मैं टेंशन में आ गया, मैं चट्टा पता नहीं कुत्ते का नाम हो बिल्ली का कुटिया का नाम हो। मैंने कहा जी मौसी जी मैं चट्टा वट्टा के साथ जीतूंगा, मैं ऐसा करूंगा रात किचन सो जाता हूँ। अब मैं दोस्तों रात को किचन में सो गया,
अब सुबह के जैसे मैं सुबह उठाता एक सुंदर सी लड़की बाल बिखेर के हाथ टाई लेके आई। मैंने पूछा जी आप कौन? बोली चट्टा। उसने मेरे से उल्टा पूछ लिया जी आप कौन? मैंने कहा जी मैं उल्लू का पट्टा। हकीकत है साहब, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। घटनाओं में कोई कमी थोड़ी है। पीछे पुलिस वाले यहाँ पे तंग कर रहे थे साहब, वो चेक कर रहे थे हमें। बड़ी अच्छी पुलिस है साहब, जो दे दो वही रख लेती है। बस में डाका पड़ गया और पुलिस वालों ने सबको घेर लिया। हाँ पैसे निकालो। हाँ कितने पैसे हैं? जी 2000। लाओ उधर लाओ। हाँ अब घेर लिया, अब डाका पड़ गया। डकैतों ने डाका डाला, घेर लिया सबको। कितने पैसे हैं? जी 5000। निकालो, तुम्हारे पास कितने हैं? अब जी डकैतों ने सबको कितने हैं? 12 रुपए। यहाँ से आया क्या? निकाल 12 रुपया। अब उसे 12 रुपए भी छीन लिए। आगे क्या है? अंगूठी है और क्या है? ये इतने करते हो तुम्हारे पास क्या? जी 35000 रुपए। निकाल पैसे। अब ये सारे पैसे निकाल लिए। अब जो डाकुओं का मालिक है उसने कहा पैसे गिरो। सारे डाकू पैसे गिनने में लग गए। अब गिनते गिनते पूछा कितने हुए? जी 35212 रुपए। सबको वापस लौटा दो। मैं सर कैसे हो आप? एक तो आपने डकैत चलवाई, इतनी मेहनत करवाया, ऊपर से कैसे हो क्या सरदार?